नाथनगर के मसूदनपुर टीओपी क्षेत्र के एसआई विपिन यादव अपने दल बल के साथ दुष्कर्म के आरोपी काशी तांती और मन्नू तांती को गिरफ्तार करने के लिए महमदपुर पहुंचे ही थे, लेकिन परिजन आरोपी की गिरफ्तारी के विरोध करते हुए पुलिस से ही भिड़ गए, जबकि परिजनों के उग्र रूप को देखकर पुलिस भी वापस लौट गई। इस दौरान आरोपियों के परिजनों ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों पर पुलिस का खबरी होने का आरोप लगाकर उन लोगों पर पथराव कर दिया। वहीं इस पथराव में दूसरे पक्ष के आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनका उपचार रेफलर अस्पताल में किया जा रहा है। अच्छा, अभी जैसे तुरंत आ रहे हैं, जैसे पता चला हमको तुरंत आए हम। अच्छा, देख रहे सर, सब परेशान, इधर मारपीट सब कर लिया, दोनों कैसे कैसे आपने किया हमको नहीं पता। किस बात को लेकर के झगड़ा पहले चल रहा था? दोनों में आपसी झगड़ा है बहुत दिन से। किस बात को लेकर के? जमीन जगह का झगड़ा है। आज यानी पूरे इतने इतने लोग घायल हुए हैं और तो दोनों को बस वही वजह है, जमीन जगह का लफड़ा है, इसी को लेकर बराबर लड़ते रहता है। अच्छा, आज काफी संख्या में गोलीबारी भी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं, हम तो जस्ट अभी आ रहे हैं। उन लोगों को छोड़ दिया और छोड़े हैं। जब ये सर जी, सर जी उन लोगों को छोड़ के वापस जब जाने लगे, तभी उन लोगों ने सामने परिवार ने मिलकर हम परिवार पर अटैक करने लगे, ढेला पत्थर चलाने लगे। तो किन लोगों को पकड़ने के लिए आया था? अदर पार्टी पर केस था। किस बात को लेकर? ये मन्नू तांती जो और मेरा माँ जो था जानकी देवी, उनको मारा पीटा था, तो उन पर एक केस था मेरे माँ द्वारा मन्नू तांती पर और उसके सब बेटे पर। तो साल भर हो गया, मेरा माँ डेड हो गया और उनको इंसाफ नहीं मिला सर, इंसाफ नहीं मिला सर। और उन पर केस था, उन लोगों ने बेल नहीं कराया था, जब वो लोग पकड़ने के लिए आया। अभी अभी कितना लोग घायल हुआ है इसमें? अभी सर 11-12 लोग घायल हो गए हमारा परिवार से सर, ढेला पत्थर उन लोगों ने मन्नू तांती और उसके बेटे ने सर बहुत ढेला चलाया था सर। सर वो पार्टी को पकड़िए सर, कार्रवाई कीजिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है सर। जगदीशपुर बाजार पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की गलत आर्थिक नीति एवं बढ़ती महंगाई के खिलाफ पैदल विरोध मार्च का आयोजन किया गया। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हर गली गली में घूम के पेट्रोल और डीजल के लिए जो बराबर दाम बढ़ते जा रहे हैं, और आज नहीं जब से मोदी सरकार बनी है तब से बराबर कुछ न कुछ बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि विदेश से कच्चे तेल की संख्या बहुत कम रेट में आता है बिहार और भारत, और लेकिन जो है यहाँ पर रेट बढ़ाते जा रहे हैं हर साल में 2-3 बार बढ़ाते जा रहे हैं, जिसमें किसानों को और सबसे छोटे जितना भी ट्रैक्टर और हुड़हुड़िया वाले हैं, जो गरीबों का रोजी रोटी चलता है उससे, वो बेचारे रोड पर आ गए हैं। आज जो किसानों और पेट्रोलों का जो दाम बढ़ाया गया है सरकार ने, उसका जब तक रेट सही नहीं करते हैं हम, तब तक हम लोग उसका आंदोलन करते रहेंगे। और बिहार सरकार से यही कहते हैं कि आप जो उनको मोदी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार सरकार के साथ जो सतोले हवा व्यवहार कर रहे हैं, वो बराबर कुछ न कुछ महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से जो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेहताशा वृद्धि की गई है, उसके खिलाफ हम लोगों ने पद यात्रा करके पूरे जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय का भ्रमण करते हुए पेट्रोल डीजल की जो बेहताशा वृद्धि हुई है, इसे हमारे किसान, व्यापारी और अन्य जनमानस पे इसका बहुत प्रभाव पड़ा।